हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी होने के बाद, व्यास पूजा होने के बाद, बहुत सेवा करने के बाद आप अगले पहली संडे आप पहुंच पाए, बहुत बड़ी बात है। यस। तो यहाँ पे शौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से यह सवाल कर रहे हैं। शौनक मुनि सारे सेजस के लीडर है और वो सबके प्रति प्रश्न पूछ रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को। और क्या पूछ रहे हैं? ये सारे कुरु तथा जंगल प्रदेशों में घूम के, पागल गूंगे तथा मूड भांति घूमने के बाद जब सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर एंटर करते हैं तो उनको कैसे पहचान पाए, कैसे पहचान लिया कि ये सुखदेव गोस्वामी हैं? क्योंकि साधु को पहचानना बहुत मुश्किल है। जब आपके घर में या आपके ऑफिस में पहली बार जब साधु आए थे, आप पहचान नहीं पाए, करेक्ट नो? पहचानना बहुत मुश्किल है। कैसे पहचान पाएंगे? जब आप उनके मुख से सुनेंगे तब पहचान पाएंगे कि आप ये साधु है या स्टैंड अप कॉमेडियन है, करेक्ट? सो दैट इज अ क्वालिफिकेशन टू नो हु इज अ साधु। तो इसलिए परपट में प्रभुपाद कह रहे हैं, दिल्ली के बारे में कह रहे हैं, दिल्ली, दिल्ली, न्यू दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन, जो पहले हस्तिनापुर के नाम पे प्रसिद्ध था। हस्ती मीन्स किंग हस्ती, जिनके नाम पे उन्होंने बसाया था, उनके भी बहुत बड़ा परिवार है। श्रीमद् भागवतम में कहीं और भी लिखा है कि उनका पूरा फैमिली, आई जस्ट नोटेड डाउन, शायद मैं आपको बताऊंगा उनका एटलीस्ट नाम। तो फैमिली के बारे में सुनते हैं। हस्तिनापुर, हस्ती, वो चंद्रवंश के राजा थे। इसका उनके पिताजी सुहोत्र और माता सुवर्णा, ही वॉज अ ग्रैंड सन ऑफ अ ग्रेट किंग भरत, द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला। हस्ती के तीन पुत्र थे, पुरमिडा, अजामिडा एंड द्विमिडा। एंड जो हस्तिनापुर आज के टाइम में एक्चुअली मीरठ के पास आता है, सिमिलरली दिल्ली पुराना किला वहाँ आपको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। ये थोड़ा बैकग्राउंड वर्क था। तो चलो डायरेक्टली हम सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे पागल और गूंगा तथा मूड बताया गया है। तो ऐसे वो एक्ट क्यों करता है, ऐसे क्यों बिहेव करता है? वाले ही वो गूंगे नहीं हैं, पागल नहीं हैं, मूड नहीं है, वैसे एक्ट क्यों करते हैं वो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। ट्राई कीजिए ताकि कोई लोग उनको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी आत्मसाक्षात्कार। हाँ, ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। एंड जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको पहचानते, ये लोग इंटरेस्टेड है, उनको सुना सकते हैं, तो तब जाके वो मुंह खोलते हैं। बाकी नॉर्मल टाइम में हमको चुप रहना है। तो इससे भी हमें एक इंस्ट्रक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है कि हम जब बाहर जाके प्रचार करते हैं कभी कभी ये बनना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनना पड़ता है। लेकिन हमको बनने की जरूरत नहीं, वो हमको जानते कि ये पागल है, ये मूड है। संडे को सुबह कोई टेंपल जाता है क्या? हमेशा हरे कृष्ण करते रहते हैं ये। और जब भी कुछ भी पूछो, बिजनेस हो या नॉर्मल एक्टिविटी हो, फिल्मों के बारे में कुछ भी हो, वहीं पे हरे कृष्ण वाला कुछ ना कुछ घुसा देता है, करेक्ट ना? हम सब करते वैसे। तो ये पागल ही है, मूड ही है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसलिए प्रीचर को, प्रचारक को चार चीज़ जानना ज़रूरी है। उसमें से एक है ही शुड नो कृष्णा, ही शुड नो, ही शुड नो, दूसरा, चार चीज़ जानना है। एक, ही शुड नो कृष्णा, ही शुड नो डिवोटीज ऑफ कृष्णा, ही शुड नो हु आर इनोसेंट, जो इनोसेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको प्रचार करना है, उनको प्रीच करना है। एंड जो एनवियस होते हैं, जहाँ पे आप
ऐसा एक्ट करना, बा 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 बा, उनसे इसके साथ लड़ना नहीं है, बातचीत नहीं करना, करेक्ट? ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है, यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम प्रीचिंग दम, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस नो पॉइंट, और हमारा इतना प्योरिटी नहीं है कि हम उसको हम डिवोटी बना दें, करेक्ट? तो सिंपली आपका टाइम बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, एनर्जी खराब होगा, एंड आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बगल में सब लोग आएंगे, आपको भी जज कर रहे हैं, उनको भी जज कर रहे हैं, कभी कभी हम उसके आंसर्स क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाते, ये नहीं कि आंसर नहीं कर पाते, वो आंसर उनको समझ में नहीं आएगा, हम एक प्लेटफॉर्म में बताते हैं उनका, वो अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म में है तो समझ नहीं सकते, तो हमारे प्रति उनकी जो नज़र है वो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा उनको, तो हमारा रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड जो है ना उनके प्रति वो कम हो जाता है और उनको बाद में प्रीच भी नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे जगह पे जहाँ पे मायावादी हो, एथिस्ट हो, वहाँ पे प्रीच नहीं करने का, सेव करने का, और जहाँ पे इंटरेस्ट है वहाँ पे प्रीच करने का, नहीं तो डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है? देन दूसरा, श्रील सुखदेव गोस्वामी इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। ऐसे ही प्रभुपाद भी घूम रहे थे, पूरे भारतवर्ष उन्होंने भ्रमण किया। 1922 क्या हुआ था इस साल में? ये साल बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट साल था, कोलकाता में भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से मिले थे, उल्टा डंगा में मंदिर में। तो मिलते ही एक साधु ने दूसरे साधु को पहचान लिया, पहचानते ही उनको बोल दिया कि आपको प्रचार करना है। कहां पे प्रचार करना है? तो प्रभुपाद ने बोला अभी तो हम तो पाश्चात्य देश से रूल हो रहे हैं, कैसे प्रचार कर पाएंगे? तो उन्होंने कन्विंस किया, ये सब टेम्प्रेरी है, सब चेंज होता रहेगा, अखंड भारत खंडित होगा, खंडित भारत अखंड होगा, पूरा भारतवर्ष होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन प्रीचिंग रुकना नहीं चाहिए। इसलिए आजकल हम बहुत सारे व्हाट्सएप में न्यूज़ में देख रहे हैं कि इस्लामिक टेररिज्म बढ़ रहा है और बहुत सारा कुछ होने वाला है, सो बांग्लादेश में कुछ हो गया, यहाँ पे कुछ हो गया, तो आप भी कुछ जागृत हो जाइए, नहीं तो कुछ होने वाला, तो जो होगा वो होगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए मैं अब डिस्कस कर रहा था डिवोटीज के साथ, मैं बता रहा था जब चैतन्य महाप्रभु आए, खुद चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान स्वयं आए, तो किसका रूल था? इस्लामिक रूल, निजाम्स रूल, उसके अंडर में चैतन्य महाप्रभु रह के प्रचार किया, समझ में आ रहा है? इसका मतलब नहीं आई एम इनवाइटिंग इस्लामिक रूल, मतलब इस्लामिक रूल मतलब जहां पे हमको प्रैक्टिस करना कृष्णा कॉन्शियसनेस मुश्किल होगा, अभी भी मुश्किल है, करेक्ट? अनलेस यू वांट टू डू इट, मुश्किल है। तो चाहे इस्लामिक रूल हो, क्रिश्चियन रूल हो, या कली रूल हो, कुछ भी रूल हो, अगर डिवोटी करना चाहता है भक्ति, उसको कोई रोक नहीं सकता। आई तुकी अप्रतिहता, तो चैतन्य महाप्रभु को जब चांद काजी ने रुका था कि कीर्तन नहीं कर सकते, संकीर्तन नहीं कर सकते, उनका मृदंग और करताल तोड़ दिया था और बैन किया था, तो उन्होंने क्या किया था? सबको इकट्ठा किया था, जब वो कॉल दिया स्ट्राइक के लिए, तो क्लोज टू 1 लाख to 2 लाख पीपल गॉट असेंबल्ड, सब लोग असेंबल हो गए। निमाय पंडित इतने फेमस थे, तो प्रभुपाद कहते हैं फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहली बार वहाँ पे हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, हम मानेंगे नहीं आपकी दिक्कत। बाद में बहुत सारे ब्रिटिशर्स को धकेलने के लिए गांधी जी ने भी किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट पहला डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो कहने का मतलब है। देन उसके बाद वो रिवर्स हो गया, वो रूल रिवर्स हो गया, संकीर्तन कर सकते हैं, अभी भी ऑर्डर है, तो वहाँ पे संकीर्तन रोक नहीं सकते। तो इन द सेम, अगर मास ऑफ पीपल कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, चाहे रूलर कोई भी हो, उनको हमारी बात मानने पड़ेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, ताकि मोर एंड मोर पीपल बन जाए। अभी संकीर्तन करने के लिए जा रहे थे, हमें संकीर्तन के लिए लोग ही नहीं मिल रहे, कितने लोग, अच्छा ठीक है, है ना? तो अगर 1 लाख इकट्ठा हो जाए, 2 लाख इकट्ठा हो जाए एक जगह पे और संकीर्तन करें, उसका इम्पैक्ट कितना होगा?
इसलिए धीरे धीरे हमें प्रचार करना और इकट्ठा करके एक साथ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन प्रभुपाद जब ऐसे घूम रहे थे उनको पहचान नहीं पाए लोग, साधु पहचान पाए, भक्ति सिद्धांत सत्य महाराज पहचान पाए। प्रभुपाद बहुत सारे अमीर लोगों के पास जाते थे और उनसे मिलते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कुछ दक्षिणा दीजिए, कुछ डोनेशन दीजिए। मिलता था थोड़ा बहुत, बट नॉट वेरी होपफुल। एंड प्रभुपाद कहते थे, डिवोटीज कहते थे, प्रभुपाद यूज्ड टू गो एंड अप्रोच उस समय में 7 sons 10 sons फैमिली बड़ा था, तो प्रभुपाद यूज्ड टू, आप एक पुत्र मुझे दीजिए, मैं उसको ब्राह्मण बनाऊंगा, वैष्णव बनाऊंगा, ताकि इस प्रचार में हेल्प हो जाए। तो तब लोग बोलते हैं मेरा बेटा बैचलर ऑफ आर्ट्स बनेगा, बैरिस्टर बनेगा, लंदन जाएगा। सो तब भी सपोर्ट नहीं मिला। उसके अलावा उनके खुद के फैमिली में रिसेंटली हमारा एक फ्रैंकली स्पीकिंग में सत्यगुरु प्रभु का सेशन था जिसमें वो गुरु ईशु के बारे में बात करते हैं, तो एक आर्ग्यूमेंट कमेंट सेक्शन में आता है, तो प्रभुपाद इतने पावरफुल नहीं थे कि जो एक और डिसाइपल को शुद्ध भक्त बना पाए ताकि वो गुरु बन जाए, परंपरा कंटिन्यू हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे एक प्रभु जी थे, उन्होंने रिप्लाई किया, प्रभुपाद जी इतने पावरफुल थे, आचार्य थे, लेकिन उनके खुद के घर में उनकी खुद की पत्नी को, बच्चों को प्रीच नहीं कर पाए। इसका मतलब प्रभुपाद वीक है, स्ट्रांग नहीं है। तो ये वो खुद भी इंटरेस्ट होना चाहिए ना, खुद भी ट्रेनिंग होना चाहिए, खुद भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ताली है ना। सो ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं है, ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, बट वी कीप ऑन गिविंग बिफिटिंग रिप्लाई। तो दैट्स व्हाई दो चैंट कर रहे हैं, जो माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, प्रभुपाद की खुद की बुक्स पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के इस्कॉन में जाते हैं, प्रभुपाद की गुरु पूजा ही होता है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मानने के लिए कितना मुश्किल होता है। देखिए अतएव उनकी उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिक के लिए अत्यंत कठिन था। प्रभुपाद को जानना पहले भी कठिन था, प्रभुपाद को जानना अभी भी कठिन है। हमको वो कठिन बहुत आसानी से मिल गया, इसलिए हम वैल्यू नहीं करते उस कठिन अंडरस्टैंडिंग को। प्रभुपाद को सुनते नहीं, प्रभुपाद की वाणी पढ़ते नहीं है। जैसे अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ पे भी इस्कॉन है वहाँ पे 16 माला होती है, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी जाती है, उनकी गुरु पूजा में उनकी आरती होती है, लेकिन प्रभुपाद को उनके गुरु मानना इम्पॉसिबल है उनके लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कृपा है प्रभुपाद की हमारे ऊपर, स्पेशल हाउ स्पेशल वी आर, हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि हमको प्रभुपाद की ओरिजिनल एक्चुअल पोजीशन हम जान पाए। जैसे कि कृष्णा, जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पे थे, प्रभुपाद कहते हैं ओनली 200 लोग उनको जान पाए थे। कितने लोग? कि वो परम भगवान है, एंड वॉट टू स्पीक ऑफ प्योर डिवोटीज, पहचान नहीं पाते। हमने पहचान लिया, हम श्रवण कर रहे हैं, तो हमें उनकी इंस्ट्रक्शन को सीरियसली पकड़ लेना चाहिए। पकड़ लेंगे इसी लाइफ में गारंटी है उनकी, बैक टू गॉड, इतना स्पेशल है हमारा। तो मनुष्य को चाहिए कि वो साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। हमको सुनने के लिए कभी भी सुन सकते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इट्स अवेलेबल, सो प्रभुपाद के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। इट इज़ नॉट यानी कि टेम्पल के आने के बाद ही सुनना है, एवरी डे जब भी मौका मिलता है प्ले कीजिए। आपके प्लेलिस्ट रखिएगा, आपके एक फेवरेट ट्यून होता है ना, फेवरेट कीर्तन होता है, प्लेलिस्ट होता है, उसी तरह प्रभुपाद के एक फेवरेट आपकी जो पसंदीदा प्लेलिस्ट बना लीजिए और कंटिन्यूसली लूप में सुनते रहिएगा। एक लेक्चर थ्रू आउट द डे, दो लेक्चर, एक ही लेक्चर फिर से दूसरे दिन सुनते रहिएगा, कि कंटिन्यूस अंदर जा सके वो।
एंड देन जब भी मौका मिलता है वही श्लोक उसी स्टाइल में प्रभुपाद के स्टाइल में प्रीच कीजिएगा. तो दर्शन करना एक लेवल है. ऑफ कोर्स शुद्ध भक्त आचार्य उनके दर्शन मात्र से आप बेनिफिट होता है, बट बेनिफिट्स उससे ज़्यादा होगा जब हम उनसे श्रीमुख से हमें सुनने का मौका मिलेगा. सुनने का मौका सबको मिल रहा है, सबके भाग्य है. और श्री भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते हैं. दिव्य लीला है. जब भी आप आचार्य उसको एनालाइज करेंगे हमेशा लीलाएं बताएंगे और लीलाओं के साथ फिलॉसफी भी बताएंगे. प्रभुपद एक जगह बताए सिंपली स्टोरी सुना के तुम ताली ज़्यादा मत लो, फिलॉसफी होना चाहिए. बिना फिलॉसफी के जस्ट स्टोरी से लोगों को हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता. कथावाचक सिर्फ कहानी सुनाते, फिलॉसफी नहीं सुनाते. एंड ऑफकोर्स उनसे सुनना भी नहीं चाहिए. तो प्रभुपद बोलते फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है. इसलिए प्रभुपद की कृष्णा बुक मतलब स्टोरी होना चाहिए. कृष्णा के वृंदावन लीला, मथुरा लीला एंड द्वारका लीला. बट अगर आप वो बुक पढ़ने शुरू करेंगे इतना स्टोरी होता है और इतना फिलॉसफी होता है, इतना स्टोरी होता है इतना फिलॉसफी होता है. कृष्णा ऐसे कैसे कर सकते हैं, तुम्हें जानना चाहता हूँ ऐसे कैसे कर सकते हैं ठपाक कृष्णा. प्रभुपद उसको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे पहले स्पेशली गोपीज डांसिंग विद कृष्णा इन द मिड नाइट, तो ऐसे कैसे कर लिया, प्रभुपद तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन देते. ऐसे कैसे कर लिया, प्रभुपद तुरंत एक्सप्लेनेशन देते. तो इसलिए फिलॉसफी जानना इंपॉर्टेंट. फिलॉसफी थोड़ा अपरेंटली हमको बोरिंग लगेगा, बट ये फिलॉसफी जानना जरूरी है. प्रभुपद पेन स्टेकिंगली इतने सारे बुक्स उस फिलॉसफी के लिए समझाया है, स्पेशली मायावाद इसके अगेंस्ट में. 50% कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी आपको प्रूव करने के लिए प्रभुपद यूज करते हैं, 50% मायावादी कैसे गलत है वो इंपॉर्टेंट है. प्रभुपद जब 70s-60s में थे इनके उनका बहुत प्रोमिनेंस था. उस समय में सबको भगवान बनने का इच्छा थी, सारे बहुत सारे भगवान घूम रहे थे तब 80s-60s में. तो उसके लिए काउंटर करने के लिए अभी वो भगवान बनना नहीं चाहते. अभी आजकल के लोगों को अभी गुरु बनने का भाव है. तो भगवान बनना मतलब आपको गोल्ड क्रिएट करना है, एटलीस्ट ऐश क्रिएट करना है, राख क्रिएट करना है. तो आजकल के सो कॉल्ड गुरु वो सब नहीं कर पाते, इसलिए भगवान नहीं गुरु बनना है. उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया. अभी जादूगर भी नहीं दिखा सकते तो उन्हें कुछ कॉमेडी कर लेंगे, जो उनको इंटरेस्ट है वो कर लेंगे, रुलाएंगे उनको. रुलाना बहुत इजी है. एंड पीपल आर ऑल्सो लेस इंटेलिजेंट. तो लगता है ये रियलिटी है, बट एक्चुअली ये रियलिटी नहीं है. एंड बाहर से वे जड़ गूंगे और पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वो सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे. तो उनको पहचानना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम पहचान पाए और उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाए तो बढ़िया है. आपने देखा होगा पिछले वर्ष में सुखदेव गोस्वामी भाग जाता है घर से, वो तो स्टोरी पता है आपको. भाग जाते हैं और उनके पिताजी व्यासदेव जी पीछे भाग रहे थे. तो कंप्लीट नग्न थे. जब माता है वहाँ पर नहा रहे थे तो उन्होंने कुछ कवर नहीं किया अपने आप को. तो दैट इज़ अ नेचर ऑफ अ प्योर डिवोटी. तो एक जगह पर प्रभुपाद क्लास ले रहे थे और उनके बगल में कुछ डिवोटीज थे और उनके गुरु पूजा हो रही थी. तो जब गुरु पूजा हो रहा था तो उनको देख के प्रभुपाद बताते हैं, डू यू नो वाई दे आर वर्शिपिंग मी, तुमको पता है ये सब लोग मुझे पूजा क्यों कर रहे हैं, मेरी आरती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई डोंट हैव ए सिंगल डिजायर टू एंजॉय वुमन. इवन इफ देर इज अ वुमन हु इज नेकेड इन फ्रंट ऑफ मी डांसिंग, आई विल नॉट बी अट्रैक्टेड टू. दैट्स अ पावर ऑफ अ प्योर डिवोटी. जैसे कि यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है, द सेम इनोसेंस. बट व्यासदेव जब गए तो दे स्टार्टेड कवरिंग. तो ऑफकोर्स प्रभुपाद क्लैरिफाई करते हैं, बिकॉज व्यासदेव भगवान स्वयं है लेकिन गृहस्थ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, इसलिए वो ऐसे बिहेव. ही हैड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैन एंड वुमेन, बिटवीन आत्मा एंड बॉडी, बिटवीन मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. बट
प्योर डिवोटीज लाइक शुकदेव गोस्वामी वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो चाइल्डिश इनोशंस होती है. तो प्रभुपाद हैड दैट चाइल्डिश इनोशंस, उसीलिए ही कुड कॉन्कर द होल वर्ल्ड. अभी हमारा 3 सेंटर है वहाँ पे US में, तो वहाँ पे पाश्चात्य देश के 1-2 डिवोटीज को भी हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे. वहाँ पे भी गुजराती सी है और तेलुगु वाले ही है, करेक्ट. तो अगर ऐसे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करने के लिए यू नीड ए स्पेशल फायर, बिकॉज आई एम बॉर्न इन इंडिया बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट हम डिवोटीज है, बिकॉज टेकिंग बर्थ इन इंडिया एज इंडिया इंडियन इज नॉट एन ईजी थिंग. तो प्रभुपाद बहुत सारे डिसाइपल्स जो होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ही वॉज ए ब्राह्मण इन इंडिया इन हिज प्रीवियस लाइफ, उसके बाद वो मेरे शिष्य बने, अभी इसका वापस जाना है. तो मिस नहीं करना इस भारत भूमि में जन्म लेने के बाद. तो दैट इज अ स्पेशल फीचर ऑफ प्रभुपाद एंड ऑल्सो द आचार्यस, दे नॉट गेटिंग अफेक्टेड. देन दूसरा सुखदेव गोस्वामी का एक इंस्टेंस है, अगले श्लोका में वो आएगा कि वो जाते थे हर एक घर में, रुकते थे कुछ समय के लिए. क्यों रुकते थे? चेक मिल गया चले गए? नहीं, थोड़ा दूध ले लिया जितना उनको चाहिए उसके बाद. और परपट में लिखते हो वैसे क्यों जाते हैं? ताकि जो गृहस्थ जो टेंपल नहीं आ पाते, जो बिजी है, इवन जन्माष्टमी के लिए सामने बैठने के लिए नहीं आ पाते ताकि हम लोग बैठ पाए तो उनके लिए थोड़ा एग्जाम्पल. तो पहले सुखदेव गोस्वामी जाके हेल्प करते थे उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस में. तो प्रभुपाद उसी तरह एक जगह पे जाते हैं, उसको डेट्रॉइट एक बहुत बड़ा सिटी है, एंड वहाँ पे एक फिशर मैंशन, इफ आई रिमेम्बर, एक बड़ा मैंशन था. प्रभुपाद उनको खरीदना चाहते थे. तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी जैसे वो गए उधर देखने के लिए, इतना बड़ा था, बहुत ब्यूटीफुल था, अगेन सेम इंस्टेंसेस. तो वहाँ पे जाते ही एक बहुत बड़ा नेकेड पेंटिंग था एक वुमन का, तो उनके साथ बहुत सारे डिसाइपल्स थे, वो सब नेकेड एजुटेटेड. तो प्रभुपाद हो वेरी गुड पेंटिंग, समझ रहे हो आप? दैट इज द पोजिशन ऑफ शिला प्रभुपाद. देन बाकी पूरा मैंशन देखा, प्रभुपाद को पसंद आया, एंड इट वॉज इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो प्रभुपाद वापस आए, गार्डन में बैठे, वो ब्रोकर बैठा है, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग बहुत पैसा मिलेगा, इनके पास बहुत पैसा है. तो प्रभुपाद कहते हैं कि हम प्रोफेशनल बेगर्स हैं, आप हमको इसको दान में देना है. उसको हार्ट अटैक हो गया वहाँ पे. प्रभुपाद के पास एक पेनी नहीं है, एक पैसा नहीं है, लेकिन जाके पूरा फिशर मैच उन्होंने खरीदा. कैसे? वहाँ पे फोर्ड दूसरे थे और दूसरे एक माता जी थे, उन्होंने दोनों पेमेंट कर दिया तुरंत और अग्रीमेंट भी हो गया. तो उसके बाद वो जो ब्रोकर था जिसका घर था, वो जाके उसका फिटिंग, उसका लाइट, उसका स्पीकर सब उठा के ले जा रहा है, क्योंकि एक एक रूम जो है $1,000,000 है प्रभुपाद के मुताबिक. तो प्रभुपाद ऐसे करते, घर में जाके पूरा घर ही ले लेते हैं. जैसे सुखदेव गोस्वामी वांट टू बेनिफिट द गृहस्थास, प्रभुपाद ऑल्सो हैज ट्रांसेंडेंटल वेज टू बेनिफिट दिस गृहस्थास. दूसरी जगह पे, हर एक जगह पे प्रभुपाद अर्च विग्रह के नाम रखते थे, है ना, राधा श्याम सुंदर. लेकिन जब लंदन में जाते हैं प्रभुपाद, उनका नाम लिखते हैं राधा लंदनेश्वर. लंदन ईश्वर क्या होता है? लंदन का ईश्वर. अगर पेरिस में जाते तो राधा पेरिस ईश्वर. तो ये लंदन का राधा लंदनेश्वर, उसका एक स्टोरी था. तो वो वहाँ पे भी इंडियंस थे, तो प्रभुपाद ढूंढ रहे थे एक अर्च विग्रह का स्थापना करने के लिए. तो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि हम देख रहे, तो इंडियन कॉन्टैक्ट मिलती है, तो इंडियन के घर जाते हैं और प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि आप कौन हो, कहाँ से हो, तो उनके फैमिली वालों को बुलाते हैं. तो स्वामी जी देखिए कैसा है, देखिए देखिए, नॉर्मली फॉर्मेलिटीज चल रही है, हाय हेलो चल रहा है. देन सडनली प्रभुपाद डीटीज को देखते उनको पसंद आ गया, अभी इसको मैं उठा लूँगा. देन प्रभुपाद बुलाते, तमल कृष्ण कैन यू होल्ड, उठा सकते हो तुम? यस यस प्रभुपाद. उठा लिया, साइड किया, पकड़ लिया. देन दूसरे को दिया, कैन यू लिफ्ट राधा रानी? यस लिफ्ट राधा रानी, चलो चलते हैं.
और गाड़ी बिठा दे, ओ पैसे पैसे पैसे। प्रभुपाद उन दोनों को किडनैप करके ले जाते। सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद डस व्हेन ही एंटर्स हिज हाउसहोल्ड। तो जस्ट याद आया मेरे को, तो इसलिए आई थॉट आई शुड शेयर दिस पास्ट टाइम। तो आई विल रीड द नेक्स्ट वर्स आल्सो। कथम वा पांडवेयस्य राजऋषि मुनिः सह संवाद समभूतात् यत्रेष सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित के इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रहे, कौन पूछ रहा है? शौनक ऋषि। किससे पूछ रहे? ओके। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसे कि अप्रामाणिक लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुनि, परम मुक्त मुनि श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम को वेदों का सार क्यों कहा गया? या बाज देव पूरा लिखने के बाद परेशान हो गए बेचारे, इतना असाइनमेंट, इतना होमवर्क, करेक्ट हो, सब कुछ लिखना पड़ा ना, पूरा सुना है उन्होंने लेकिन लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? हमारा मेमोरी बहुत अच्छा है। उनको पता था, इनको कुछ याद नहीं रहता, बेचारों को थोड़ा हेल्प कर लेते हैं। लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। किसको आउटसोर्स कर दिया? गणेश जी को आउटसोर्स कर दिया। अभी गणेश चतुर्थी आने वाले हैं तो इसलिए याद कर रहा था। तो गणेश इज सच एन इंटेलिजेंट डिवोटी, तो उनको मौका मिला सेवा करने का, ये सेवा करने का, तुरंत उन्होंने कैप्चर कर लिया। ये नहीं कि प्रभु मेरा कुछ काम है बाद में आऊँगा, घर पे कुछ है दिक्कत है, नहीं, इमीडिएटली। और उन्होंने कंडीशन दिया, कंडीशन क्या था? आपको रुकने का नहीं, रुकू तो मैं बंद कर दूंगा, बाद में लिखूंगा नहीं, 100%। तो शुकदेव गोस्वामी व्यास ऋषि बोल रहे और व्यास देवी लिख रहे फटाफट, और सडनली बगल में सरस्वती बह रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, तो सरस्वती को रोक दिया कुछ समय के लिए, लुप्त हो गई वो। तो भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी अड़चन आएंगे वो, हाँ वो हो जाएगा। इन द सेम वे हमारे लाइफ में भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन आप भक्ति करना चाहते हैं, चैंटिंग करना चाहते हैं, सोलह माला करना चाहते हैं, आश्रय लेना चाहते हैं, सुबह उठना चाहते हैं, आपका इच्छा है, डिज़ायर है, कोशिश कीजिएगा, भगवान सब कुछ हटा देंगे। बट आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की आपको तो बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि डिवोटी है आप, डिसाइपल है प्रभुपाद की। तो वो लिखने लगे एंड सडनली डिफिकल्टीज आएगी, वो निब टूट गया, निब टूट गया। तो गणेश जी का जो दांत, दांत इट्स सो गुड लुकिंग, नो गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल गुड लुकिंग, नहीं आई डोंट केयर माय लुक्स, आई डोंट माय लुक्स, लिखना शुरू कर दिया। दैट्स अ डिवोटी। In the same way, Prabhupada also wrote this Srimad Bhagavatam. Kaun suna raha tha? Kaun suna raha tha? Prabhupada ko likhne ke liye kaun suna rahe the? Shri Krishna Bhagwan Swayam. Jaise, jaise Vyas Dev ko suna rahe the aur Ganesh ji likh rahe the, Prabhupada ko Swayam Krishna suna rahe the. And वो वर्ड्स है ये भक्ति वेदांत परपट्स, जिसको पढ़ के जिसको सुन के हमारा पूरा जिंदगी बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हमारे माहौल बदल दिया, हालत बदल दिया। जस्ट सी, जस्ट पढ़ के, जस्ट टच में आके, हमने उनको देखा नहीं, ना किसी हमारे मोमेंट में किसी ने देखा प्रभुपाद को, जिसका जिसको हमने देखा तक नहीं, मिला तक नहीं, दर्शन तक नहीं किया, सिर्फ सुना। जस्ट सुनने की वजह से हार्ट में इतना प्रेम है, जो भी है, वैराग्य आ गया, बाल हट गए, कलर चेंज हो गया। तो कल एक छोटा सा वीडियो मिला था जिसमें वो फोन पे बात कर रहा था, क्यों लेट हुआ? लेट इसलिए होते, इस्कॉन वाले ने भगवद गीता पकड़ा दिया यार, मैं बोल रहा था नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पीछे पड़ गया, जल्दी जाना था तो ले लिया मैंने, पहला सीन। दूसरा सीन, वही प्रभु जी
कुर्ता पहन के भगवत गीता ले लो गीता। दूसरा बात हुआ ना आपके साथ। जस्ट बुक्स, बुक मतलब श्रवणम। देखा नहीं प्रभुपाद को हमने, लेकिन जाके देखेंगे, लेने के लिए आएंगे। हम भले रहे ना रहे, भक्ति करे ना करे, उनकी जिम्मेदारी वो ले लेंगे, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना जबरदस्ती आने के लिए। एक डिसाइपल थे प्रतपुत्र दास, प्रभुपाद जब थे वो उनके साथ थे और बहुत प्रीचिंग प्रचार वगैरह किया। जब 1977 प्रभुपाद चले गए, इस्कॉन वेंट थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, तो वो भी छोड़ के चले गए। ही वेंट बैक टू हिज ओल्ड हैबिट्स, हिप्पी हैबिट। तो ही वॉज डायग्नोज्ड विद एड्स, तो ही वॉज इन हॉस्पिटल बेड, जाने वाले थे। तो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, लास्ट मोमेंट में कैसे हो तो नोट कर रहे थे, वैसे लेटे हुए थे। एंड सडनली ही गेट्स अप एंड ही लुक्स एट द डोर, प्रभुपाद यू केम एंड ही पास्ड अवे। समझ रहे हो आप? ही हैज कमिटेड, प्रभुपाद ने कमिट किया कि जो भी मुझे एक्सेप्ट करता है गुरु बोल के, जो चार नियमों का पालन करने की कोशिश करता है, 16 माला करने की कोशिश करता है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी उसको बैक टू गॉड ले जाना। पर प्रभुपाद को डिफिकल्टी में मत डालिए। जैसे कि प्रभुपाद चिंतामणि के परपट में लिखते हैं, चिंतामणि जानते हैं ना? नहीं जानते? चिंतामणि इस वेरी फेमस प्रॉस्टिट्यूट, बिल्वमंगल ठाकुर उनसे प्रभावित थे एंड स्टोरी आप जानते हैं। तो फाइनली वो चिंतामणि से मिलने जब जाता है बिल्वमंगल ठाकुर, मुश्किलों के बावजूद भी चिंतामणि कहती है, अगर इतना एंडेवर, इतना मेहनत, इतना हार्ड वर्क, इतना कोशिश अगर आप भक्ति में करते, कृष्ण भक्ति में करते, तो क्या होता आपका? सडनली उनको पूरा प्रीवियस लाइफ टाइम का भक्ति का याद आ गया और वो वापस वृंदावन चले जाते हैं। तो प्रभुपाद उस परपट में लिखते हैं कि डोंट मेक योर स्पिरिचुअल मास्टर कम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट टू इंस्ट्रक्ट यू। एंड जब प्रभुपाद बीमार थे तो मैं, ये भी ऑर्डिनरी पर्सन, इसको भी बीमारी होती है, इसको भी हार्ट अटैक होती है, इसका भी बॉडी भी पैरालाइज होता है, इतने छोटे हैं। डिवोटीज जब, फॉरेन डिवोटीज जब देखते थे प्रभुपाद, मतलब प्रभुपाद प्रभुपाद करी, इतना बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा, जब आते तो प्रभुपाद इज 5'2" और 5'3" हम अगेन सेम, दर्शन से नहीं सुनने से होता है। इवन उस डेथ बेड पे प्रभुपाद जब ट्रांसलेशन कर रहे थे 1977 नवंबर 13-14, कौन सा ट्रांसलेशन कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम का 13th chapter। और वहाँ पे क्या बोल रहे, सुबह उठना ज़रूरी है, चैंटिंग करना ज़रूरी है। सी उस कॉन्शियसनेस में डेथ बेड पे, हम जानते हैं व्हेन यू बिकम ओल्ड हाउ मच पेनफुल इट इज, स्किन वॉज टचिंग द बोन, लेकिन प्रभुपाद वॉज नॉट अफेक्टेड, उनका कॉन्शियसनेस चेंज नहीं हुआ। 1922 हो, 1933 हो, 1944 हो, 1956 हो, 1959 हो, 65 हो, 66 हो, 67 हो, 70 हो, 77 हो, प्रभुपाद का कॉन्शियसनेस हमेशा वैसी, हाउ कैन आई सेव देम, अभी भी वही कॉन्शियसनेस है। इस्कॉन मतलब हाउ कैन आई सेव द कंडीशन सोल्स, ही सेंट बाय द सुप्रीम लॉर्ड फॉर अस, ही डिडंट वांट टू कम, प्रभुपाद आना नहीं चाहते। कृष्णा ने बोला रिक्वेस्ट किया, एक बार जाओ भाई बताओ उनको, मेरी बात नहीं माने। कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़ा, बहुत बड़ा क्लास लिया 45 मिनट्स का, अर्जुन को समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, तू जा, मैं नहीं जाऊँगा, बहुत दिक्कत है मेटेरियल वर्ल्ड में। तो कृष्णा रिक्वेस्टेड मी अगेन, प्लीज़ गो टू द स्पिरिचुअल मेटेरियल वर्ल्ड, आई विल मेक ऑल अरेंजमेंट्स। नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बहुत गंदी जगह है वो, और हम यहाँ पे। And Krishna requested for me the third time, I'll build you palaces in every town and village for you. I'll send you men and money. Just mere bare mein likh ke wapas aa jana. Baaki sab wo kar lega. Kya kar lega? Ye books kar lega.
पर जस्ट बाय रीडिंग दिस बुक्स द सेम इफेक्ट प्रभुपाद के सामने होने का वो भी है. बहुत सारे डिसाइपल्स है प्रभुपाद डायरेक्टली सुना, फेस टू फेस सुना, उनको कुछ समझ में नहीं आया एट दैट पॉइंट ऑफ, लेकिन उन्होंने सुना रूल के मुताबिक तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. करेक्ट. उस समय में प्रभुपाद इंडियन है, एल्डरली जेंटलमैन है और उनका बंगाली एक्सेंट है, इतना भारी है. अभी भी राइट अप नहीं होता तो हमको समझ भी नहीं आता, हमको समझ भी नहीं आता इंडियंस हो के इंडियन एक्सेंट समझ भी नहीं आता. वो तो फॉरेनर्स है, उनको क्या समझ में आएगा. समटाइम्स आई स्पीक टू सम फॉरेन स्टूडेंट्स हु विजिट माय कैंपस, उनको धीरे धीरे बोलना पड़ता है, तब जाके उनकी भाषा मुझे समझ में आता है, मेरी भाषा उनके समझ में आता है. तो व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट. लेकिन उन्होंने सुना श्रद्धा से, स्वामी जी कुछ बोल रहे होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन. भले वो रसगुल्ला के लिए, गुलाब जामुन के लिए वेट कर रहे हो, एटलीस्ट वो तो उसको देवर अट्रैक्टेड टू रसगुल्ला एंड गुलाब जामुन. हम तो उसको भी अट्रैक्टेड नहीं है. रसगुल्ला में नमक कम, नहीं सॉरी शुगर कम. तो पॉइंट इज हाउ मच, इसलिए इसको शुक संहिता कहते हैं, इसके परम मुक्त मुनि, परम मुक्त मुनि. तो गुरु शुड बी ऑफ दैट कैटेगरी, परम मुक्त मुनि, उनसे सुनना है. एंड वी हैव गॉट दैट स्पिरिचुअल मास्टर, फिर भी हम किसी और के पीछे नहीं भागना चाहिए. बहुत अच्छे प्यार से मज़ेदार कथा सुनाएंगे, मज़ा आ गया प्रभु जी सुन के. आप भी सुनिए एक बार. नो ट्रांसफॉर्मेशन, चाय चुट नहीं पाया उनका, यहाँ पे लाइफ देने के लिए तैयार हो गया. जस्ट सी द डिफरेंस. तो दूसरा ट्रांसलेशन रहने देते, काफ़ी है. ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? हमको तो पूछना नहीं है, ठीक है. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय.